भर आया, शायद प्रशासन को भी ऐसे ही मौके की तलाश थी, लिहाजा शुरू हो गया दे दनादन जैसे पुलिस की आदत होती है। इस मुद्दे पर बात करेंगे, अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, हमारे साथ आबिद हुसैन साहब हैं, आप कांग्रेसी नेता हैं, नूतन ठाकुर साहिबा हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, हमारे साथ विजय बहादुर सिंह साहब होंगे, कुछ देर बाद आप बहुजन समाज पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे, और हमारे साथ लखनऊ से रियाज अहमद साहब होंगे, आप राज्य मंत्री हैं, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग आपके पास है। आप सभी लोगों से एक एक करके मैं बात करूंगा जी। तो कमरिया घाट पर पक्का पुल बनाने की मांग को लेकर चल रहा जल सत्याग्रह दसवें दिन हिंसक हो गया, विरोध कर रहे चार लोगों ने जल समाधि लेने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उन्हें बचा लिया, उन्हें तो बचा लिया गया, लेकिन फोर्स के तैनात होने से गांव वालों में गुस्सा फैल गया और फिर जो हुआ उसकी आशंका किसी को नहीं थी। किसे मालूम था कि पानी की लहरों पर विरोध लिखने वालों पर शासन के कर्म के बजाय प्रशासन की लाठियां बरसेंगी। पुलिस वाले लाठियां बरसाने के महारथी हैं, एक बार भांजना शुरू करते हैं तो फिर लाठियां फर्क नहीं कर पाती कि सामने बूढ़ा है या बच्चा है, महिला है या पुरुष। इन लाठियों की जद में जो भी आया उसके बदन पर कानून के रखवालों की लाठियों की मोहर लग गई। लाठियां बरसी तो गांव वालों ने भी अपना आपा खो दिया और फिर वही हुआ जिसे सभ्य समाज और लोकतंत्र की किताब में धब्बा कहा जाता है। गांव वालों ने भी लाठियां निकाल ली और लहरों के बीच शुरू हो गया लाठी युद्ध। एक पूरा कुनबा कमहरिया घाट पर पुल बनाने के लिए मझधार के बीच कई दिनों से खड़ा है, लेकिन शासन के कान तक उनकी मांग की आवाज ने दस्तक नहीं दी। जब विरोध कर रहे लोगों को विश्वास हो गया कि अब कोई नहीं सुनने वाला, तो चार लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए जल समाधि ले ली। जल समाधि लेने वाले लोगों को गांव वालों ने तो बचा लिया, लेकिन बाद में तैनात फोर्स देखकर आपा खो बैठे। इस लाठी युद्ध में कई पुलिस के अधिकारी भी घायल हुए हैं। बहरहाल विरोध ने आंदोलन की शक्ल ले ली है और गांव वालों के पक्ष में योगी आदित्यनाथ भी आ गए हैं। अब पक्के पुल बनाने का सवाल बड़ा हो गया है, देखना होगा कि गांव वालों के इन सवाल का जवाब क्या होता है। हरेंद्र दुबे, गोरखपुर, समाचार प्लस। अरे आपको सुनाते हैं कितना सब कुछ होने के बाद क्या कहना है गोरखपुर के डीएम साहब का। इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, सो इस वजह से थोड़ा नोकझोंक जो हुआ है इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई है, उनको हम लोगों ने ले लिया है और जो भी विधिक कार्रवाई होगा अब वो चलेगा। चलिए, जो कह रहे हैं डीएम साहब, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश में कोई भी ब्यूरोक्रेट होता है तो सबसे पहले बात यही कहता है, कोई नई बात नहीं है, हमने बयान सुनवा के लगता गलती की। हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता, उन्होंने हालात का जायजा लिया, क्या कहना था वो भी आपको दिखा देते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से सत्याग्रह अनशन कर रहे लोगों को, सामानों को पुलिस प्रशासनिक बल अपने इस पास लाद करके उठा ले जा रहा है और यहाँ पर भारी मात्रा में इधर फोर्स बल तैनात कर दिया गया है ताकि जल में सत्याग्रह आज के वास्ते न हो सके। आपको हमें भी बता दें कि नदी के उस पार ग्रामीण जो भटके गए हैं सत्याग्रह करने वाले, उन लोगों का कहना है कि पुलिस बल जैसे ही हटेगी वैसे ही फिर से हमारा जल सत्याग्रह शुरू हो जाएगा। जब तक रहेगा, जब तक प्रदेश की सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले लेती। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, आबिद हुसैन हमारे साथ, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, नूतन ठाकुर साहिब हमारे साथ हैं, आप पार्टी एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर साहब की धर्मपत्नी हैं, ये आपका तीसरा परिचय भी है। इसके अलावा रियाज अहमद साहब हमारे साथ कुछ देर बाद जुड़ेंगे और विजय बहादुर साहब बीएसपी की नुमाइंदगी करेंगे। नूतन जी, ये जो हो रहा है ये महाराष्ट्र में हो चुका है पहले, लेकिन वहां पे मीडिया की सक्रियता की वजह से केंद्र सरकार ने सुना था, लेकिन यूपी सरकार लाठियां भांज रही है। अरे भाई, पुल ही तो मांग रहे हैं वो कि आप पुल बना दीजिए, आवागमन आसान हो जाएगा, पीपे का पुल बह जाता है, इसमें ऐसा कौन सा कोहिनूर हीरा मांग रहे हैं भाई कि यूपी सरकार इतना सोच रही है। नूतन जी आवाज नहीं पहुंच पा रही, अमिताभ जी ये सवाल मैं आपसे करूंगा। देखिए, ये प्रश्न मांगने और देने का नहीं है, ये प्रश्न मानसिकता का है।
जब शासकों की मानसिकता ऐसी हो जाए कि उनको लगे कि यह प्रजा दूसरे लोक की निवासी है और हम लोग कुछ शायद अपर हाउस के निवासी हैं, दूसरे कुछ बड़े इस्लाम में आसमानों की चर्चा है, पहला आसमान दूसरा आसमान और कहा जाता है अल्लाह सातवें आसमान पर है, तो अगर शासक ये मान ले कि हम सातवें आसमान के लोग हैं और ये जो गरीब लोग हैं जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जरूरत के लिए लड़ रहे हैं, ये तो कीड़े मकोड़े हैं, तब ऐसे दृश्य आते हैं। मध्यप्रदेश में भी एक ऐसी स्थिति आई थी, लोगों के हाथ पांव गल गए थे जल सत्याग्रह के दौरान, ऐसी स्थिति अपना देश आजाद मुल्क वह ऐसी स्थिति क्यों आई? सही कहा कि क्या मांग रहे हैं, क्या अद्भुत मांग लिया, क्या अकल्पनीय मांग लिया, क्या ऐसा मांग लिया जो दिया नहीं जा सकता है। इतना बड़ा प्रदेश, इतना बड़ा बजट और लोग पानी में खड़े होकर जान देने को आमादा हो जाए सिर्फ एक पुल के लिए, इसकी घोषणा पहले दिन क्यों नहीं हो सकती? ठीक बात है। और पुल किसी एक की जागीर नहीं होगी ना, एक पुल इलाके की किस्मत बदलता है, एक सड़क की कनेक्टिविटी पूरे इलाके की किस्मत बदल देती है। ठीक बात है। पूरब वैसे ही गरीब है, पूरब उत्तर प्रदेश के पूरब और उत्तर प्रदेश के पश्चिम में उतना ही अंतर है जितना वैश्विक पटल पर पूरब और पश्चिम में अंतर है, उतना ही बड़ा अंतर है। कहां नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा देखिए और कहां बलिया, देवरिया, घोसी, आजमगढ़, मऊ, इनको जाके देखिए क्या स्थिति है, किस नारकीय जीवन में बहुसंख्यक आबादी रह रही वहां। अगर वो लोग इतनी छोटी सी मांग लेकर खड़े हैं और अपने लोगों से, जो लोग आज ताकतवर अपने को कहते हैं, उनकी ताकत का सोर्स कहां है, ट्रांसफार्मर कहां है? जनता है वो ट्रांसफार्मर, मैंने कल भी कहा था, अन्यथा हमारी आपकी विसात क्या? ठीक बात है। जनता का वोट आपको राजा बनाता है, जनता का वोट आपके हाथ में वो कलम देता है जिससे आप फैसला लिख सके, जनता का वोट आपकी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती देता है, अन्यथा कितनी भी महंगी गाड़ी रख लीजिए उसके ऊपर लाल बत्ती नहीं लगती और फैसला लिखने वाली कलम नहीं मिलती जी। ये जनता है जो देती है, और उसके बदले में अगर वो ये मांग ले कि अपनी पीढ़ियों के भविष्य के लिए एक पुल दे दीजिए तो लाठी चले। तुलसी ने लिखा था, मुझे याद आता है, बात थोड़ी कड़वी है लेकिन कहूंगा जरूर, कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नप अवस नरक अधिकारी। जनता है प्राण तत्व लोकतंत्र की, उसकी आवाज को नहीं समझेंगे तो फिर लोकतंत्र बेमानी हो जाएगा, नूतन ठाकुर वोट बेमानी हो जाएगा, चुनाव बेमानी हो जाएगा। नूतन जी, सवाल यहां पर सिर्फ इतना सा है कि ये लोग जो हैं, जो जल सत्याग्रह कर रहे हैं, ये ईमानदारी से, अहिंसक तरीके से, पिछले 10-10 दिनों से हम भी लगातार समाचार पत्र पर कवरेज कर रहे हैं, हर एक दिन हमारे संवाददाता वहां जा रहे हैं, हर एक दिन हम दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन कहकर हम समाचार पत्र पर खबरें दिखा रहे हैं, किसी भी तस्वीरों में कोई भी समाचार ऐसा नहीं है जिसमें हिंसक होता नजर आ रहा हो। ईमानदारी से पानी में खड़े रहकर ये बेकसूर, लाचार, बेबस गांव वाले पुल की मांग कर रहे हैं। आपने पीएससी छोड़ दी इनके ऊपर कि भांजो लाठियां इनके ऊपर, सिर फोड़ दो, हाथ तोड़ दो, ये किस तरह का समाज है भाई, ये कैसा समाजवाद है जी? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ सबसे शर्मनाक बात तो यही है कि आजादी के 65 साल बाद भी हमारी जनता पुल के लिए जल सत्याग्रह कर रही हो और तमाम विकास के वादे किए जाते हैं, लैपटॉप बांटे जाते हैं, जहां जरूरत आवागमन के साधन की है, जिस जगह पे लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं जा सकते हैं, वहां पहले तो हमारी प्राथमिकताएं तय करने की भी जरूरत है सरकार को कि क्या प्राथमिकता है, जनता की पहली जरूरत क्या है। जहां लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं जा सकते हो, और बार बार हमारे विधायक सांसद की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने क्षेत्र में वाजिब समस्या क्या है उसको देखें, निदान करें। जब इतने समय तक नहीं हुआ तभी यहाँ के लोग भी मजबूर हुए कि जल सत्याग्रह करें और उस पे लाठी चार्ज करना, ये और खास करके जब लोग पानी में खड़े हैं वो तो सरासर ही गलत है। वहां कोई भी बड़ी घटना या अप्रिय स्थिति हो सकती थी, जिस तरह से मैं टीवी में देख रही हूँ कि पानी में खड़े लोग और भगदड़ की स्थिति थी, तो निश्चित रूप से घटना भयावह हो सकती थी जी। हुसैन साहब जी, ये लोग ईमानदारी से मांग कर रहे हैं
आखिरकार सरकार को ऐसी क्या आफत आन पड़ी है? अगर भाई जल समाधि ले रहे हैं ये लोग, तो सरकार अगर इतनी पानीदार है तो पानी में खड़े इन लोगों को पुल क्यों नहीं दे देती? करोड़ों रुपया लूट के खा गए नेता, करोड़ों रुपया लूट कर खा गए, बड़े बड़े पत्थरों की मूर्ति लगवा दी, बड़े बड़े पार्क बन गए। अरे भैया, पत्थर की मूर्तियों से ज्यादा बेहतर होता कि यहां पर पत्थर का पुल बना देते। कम से कम आंखों का पानी, आंखों का पानी इन लोगों के पानी में खड़े होकर जान देने से तो थोड़ा सा तो पानी आंखों में भी आ जाता, क्या दिक्कत थी भाई? ऐसा है कि अभी आप ही के चैनल ने मेरे ख्याल से 3 या 4 बजे के किसी खबर में दिखाया था जी कि पिछली सरकार जब समाजवादी पार्टी की थी तब इसकी घोषणा हुई थी कि यहां पुल बन जाएगा। हाँ। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी शायद गोरखपुर गए थे, तो जो लोग वहां के जनता जो इस वाजिब मांग को लेकर कुछ लोग उनसे मिले भी थे, उन्होंने कोई सॉलिड और कोई ठोस जवाब अगर दे दिया होता, कोई आश्वासन दे दिया होता, क्योंकि ये तो ठीक है कि पुल एक दिन में नहीं बनता, ये भी ठीक है कि पुल एक बड़ी योजना के अंतर्गत होता है, लेकिन 5 साल पहले सरकार रही, उसके बाद अब फिर से सरकार आई, वादे इन्होंने मैनिफेस्टो में किए उन चीजों के जिनकी प्रायोरिटी। जी जी जी, आपकी बात से बिल्कुल इत्तफाक रखता हूं कि पुल एक दिन में नहीं बनता, लेकिन उसके साथ कॉमा लगाऊंगा और उसके आगे एक वाक्य जोड़ूंगा जरूर। बिल्कुल जोड़िए, पुल के लिए, पुल के लिए आजाद मुल्क में 65 साल इंतजार भी नहीं होता चाहिए। बेशक, मैं इस बात से इत्तेफाक कर रहा हूं। जलालत की बात है, ये शर्म की बात। बिल्कुल जलालत की बात, मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। मैं यही बात कह रहा हूं कि जहां मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे, जहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उनको 10 दिन में मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री के कार्यालय तक अगर सही स्थिति पहुंचाई होती, और उसके बाद अगर कोई दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन बना होता और मुख्यमंत्री जी ने कोई ठोस आश्वासन दे दिया होता कि ये पुल की शुरुआत 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने में हो जाएगी, इस बजट में हो जाएगी, तो यकीनन मैं समझता हूं कि वहां लोग जल समाधि लेने का प्रण नहीं लेते। सर से पानी ऊंचा हो गया, और मैं तो ये कहूंगा कि अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, ये तो अभी इब्तदाई इश्क है, अभी देखे जाइए कि वादे इस तरीके के मैनिफेस्टो में किए गए हैं कि मैं नहीं समझता कि इनके 2017 तक के पहुंचते पहुंचते इनके सारे वादे हो जाएं, जबकि ये जो भी वादे कर रहे हैं उनकी प्राथमिकताएं तय होती हैं। पहले इंसान को पानी मिले, पहले इंसान को रास्ता मिले, पहले इंसान को स्वस्थ जीवन मिले, पहले बच्चों को पढ़ाई मिले, पहले बीमारों को अस्पताल मिले, फिर उसके बाद अगर वो जिंदा रहेगा तो आगे की और फैसिलिटी। हम जरा अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहते हैं, हम बता दें दर्शकों को अपने कि रियाज अहमद साहब, आप राज्य मंत्री हैं खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के, उन्होंने समाचार प्लस के इस विशेष कार्यक्रम, इस फ्लैगशिप शो में शामिल होने का भरोसा दिलाया था, लेकिन अभी तक वो हमारे साथ नहीं है। सवाल बड़ा यह है कि अगर हम ऐसा कोई मुद्दा उठाएं जिसमें हम बसपा के लोगों से जवाब मांगते हो तो बसपा के लोग गायब हो जाते हैं, जब हम सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के लोगों से जवाब मांगते हैं तो सपा के लोग गायब हो जाते हैं। मुझे ये बड़ा, ये भगोड़ापन जो है, आई कोट, मुझे ये भगोड़ापन समझ नहीं आता कि उत्तर प्रदेश के आवाम को हमको, आपको कहां लेकर जाएगा नूतन ठाकुर साहिबा, मुझे समझ नहीं आता। हम जनता से वोट मांगने जब जाते हैं तो कैसे चरणों में लौट जाते हैं, वोट के लिए लौट जाते हैं, और जैसे ही नतीजों का ऐलान होता है हम लंबी सी गाड़ी बुलवाते हैं, उसी जनता से अलग हट जाते हैं और आगे निकल जाते हैं, फिर जनता कौन, जनता मार भगाओ इनको, ये भीड़ आ रहे, भीड़ पैदा कर रहे हैं, बदबूदार लोग हैं ये, फिर हम ये मानसिकता में चले जाते हैं। हम चाहते हैं क्या है, जब हमारे पक्ष की बात होगी तभी हम जनता के सवालों के और जनता की आवाजों को सुनेंगे क्या? क्या ये एक अघोषित परंपरा यूपी में पड़ रही है क्या नूतन जी? जी, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि अब विकास भी जो किए जाते हैं वो वोट बैंक को देख के किए जाते हैं। हाँ। किस पार्टी को कितने वोट उस क्षेत्र से मिल सकते हैं, विकास भी उसी अनुपात में किया जाएगा, जो सरासर गलत है। दूसरी बात यह है कि केवल वादे कर देना ही काफी नहीं होता, क्योंकि अभी 1 साल पहले मैंने एकौना श्रावस्ती पुल को लेकर एक PIL फाइल की थी, जिसमें पुल आधा बना हुआ था, आधा 2 साल से काम ठप था, जिसपे ओवर बजट हो रहा था। PIL फाइल करने के बाद फिर बजट, जब कोर्ट ने इंटरवीन किया तो बजट सैंक्शन हुआ और अब पुल का काम शुरू हुआ है। ऐसे यूपी में करीब 150 पुल हैं जो आधे बने हुए हैं
और काम रुका हुआ है। वैसे मैं पहले तो प्राथमिकता सरकार की ये होनी चाहिए थी कि जो आधे बने हुए हैं उन्हें पूरा करे, और कहां वाजिब जरूरत जनता की है और पुल की उसको देखे और उसको पूरा करे, क्योंकि आधा अधूरा वादे करके और उसके बाद बीच में छोड़ देने पे भी बजट